बसमीम आज हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसमें सबसे पहले हम प्रोडक्शन देखेंगे प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या है इट इज अ प्रोसेस इन विच विच चेंज द शेप ऑफ एनी प्रोडक्ट एंड मेक इट मोर यूजफुल मेक इट मोर यूजफुल इसमें क्या है कि हम किसी भी चीज़ की शेप चेंज करके उसको मज़ीद जो है वो यूज़फुल शाम तब्दील कर देते हैं मसला अगर हमारे पास वुड है कोई लकड़ी है उसको उसकी शक्ल चेंज करके हम उसको फ़र्नीचर बना दें तो वो ज़्यादा यूज़फुल चीज़ हो जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोडक्शन में इस्तेमाल होने वाले अवामल्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्स पीपल यूज़ टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऐसे रिसोर्स हैं जिनको लोग इस्तेमाल करते हैं गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए पैदा करने के लिए मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास कौन से हैं वो चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं जिनके मुख्तफ कम्बीशन हम इस्तेमाल करते हैं अशा को पैदा करने के लिए कौन से हैं लैंड लेबर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन कंबाइंड सर्टन प्रपोर्शन टू प्रोड्यूस गुड्स फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये हैं इनकी डिटेल क्या है हम इनकी सिर्फ डेफिनेशन करेंगे सबसे पहले लैंड की डेफिनेशन है वेन यू एज्यूम लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इट इंक्लूड्स नॉट ओनली वर्ट इज ऑन द सरफेस बट ऑल्सो बेन द अर्थ लैंड का मतलब सिर्फ ज़मीन के ऊपर वाली चीज़ें नहीं हर वो चीज़ जो ज़मीन के ऊपर है नीचे है नेचुरल गिफ्ट्स हैं रिसोर्स ऑन द सरफेस जो अल्लाह ने हमें नेचुरल गिफ्ट्स दिए हैं रिसोर्स दिए हैं अंडर द सरफेस ऑफ लैंड एंड माउंटेन्स फॉरेस्ट मिनरल्स रिवर्स आर इंक्लूड्स इन द लैंड हर चीज़ लैंड के अंदर आती है अकॉर्डिंग टू मार्शल लैंड मीनस ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज़ सच एज़ लाइट एयर वाटर विच आर यूज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड आर फ्री गिफ्ट ऑफ़ नेचर जो अल्लाह तला की तरफ से फ्री गिफ्ट है और इंसानों की खुशहाली के लिए इस्तेमाल होते हैं उनके वेलफेयर के लिए इस्तेमाल होते हैं वो सारी चीज़ें जो रिसोर्स अल्लाह तला ने बनाए हैं वो लैंड के जमरे में आते हैं इसके बाद हमारे पास दूसरा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है लेबर इन इकनॉमिक्स बाय लेबर वई मीन एनी फिज़िकल और मेंटल वर्क और एफर्ट फॉर विच द लेबर रिसीव मटीरियल और फाइनेंशियल रिवॉर्ड इकनॉमिक्स में लेबर क्या है लेबर का मतलब क्या है वो फिज़िकल और जिसमानी वर्क है जिसकी कोशिश के नतीजे में उसको मेहनत जो है वो रिवॉर्ड रिसीव करती है फाइनेंशियल और मटीरियल मादी रिवॉर्ड जो है वो रिसीव करती है सो एनी फिज़िकल और मेंटल वर्क हर वो जिसमानी और जहनी वर्क जिसके बदले में रिवॉर्ड मिले रहमत कहलाती है लेबर कहलाती है मेहनत कहलाती है सच एज़ वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री मकैनिक्स ऑफ द कार ऑफ ऑटोमोबाइल टीचिंग ऑफ टीचर एक्सेट्रा सो द रिवॉर्ड कैन बी अ काइंड ऑफ कैश ये इन काइंड ऑफ इन काइंड और कैश किसी भी किस्म का रिवॉर्ड हो सकता है कैश के फॉर्म में हो सकता है अकॉर्डिंग टू एस एम इंक्लूड्स ऑल सच ह्यूमन एफर्ट्स ट्रेडेबल गुड्स ठीक लेबर में हर वो ह्यूमन एफर्ट शामिल होती है जिसके बदले में हर वो जिसमानी मेहनत शामिल होती है जिसके बदले में उसको रिवॉर्ड मिलता है जो कि पे किया जाता है उसको किसी भी फॉर्म में वेज की फॉर्म में उजरत की फॉर्म में या अशा की फॉर्म में ठीक है सो द डेफिनेशन ऑफ लेबर इंक्लूड्स थ्री की पॉइंट्स इसमें थ्री की पॉइंट्स आते हैं कौन से ह्यूमन एफर्ट ओनली ह्यूमन एफर्ट्स कैन बी आर वैल्यूड आर लेबर ह्यूमन एफर्ट जो है वही लेबर के अंदर शामिल होती है किसी भी किस्म की मशीन के थ्रू या जानवरों से ली हुई मेहनत जो है वो ह्यूमन एफर्ट में शामिल नहीं होगी बहुत मेंटल और फिज़िकल एफर्ट्स चाहे वो जिसमानी मेहनत है कोशिश है या वो दिमागी कोशिश है वो सारी के सारी मेहनत के जिमरे में आती है जिसके बदले में हमें कोई ना कोई रिवॉर्ड मिले वो मेहनत के जिमरे में आती है इसमें किसकी सर्विसेज हैं टीचर्स डॉक्टर्स जजेस फील्ड वर्कर्स हर किसी की वो लेबर के ज़मरे में आती है मटीरियल पेमेंट्स मादी उजरत इट डज़ नॉट इनकलूड इसमें वो सर्विसेज शामिल नहीं होती जो हम किसी भी रिवॉर्ड के बगैर करते हैं जो हमारी हॉबीज़ होती हैं या फिर वो हम अपने घरों का काम करते हैं वो इसमें शामिल नहीं होता हॉबीज़ में कौन सी चीज़ आ जाए हम कोई पेंटिंग करते हैं या हम जो है वो गार्डनिंग करते हैं कोई किसी भी किस्म का हमारा शौक़ जो है वो मेहनत के ज़मरे में नहीं आता मेहनत के बाद हमारे पास आ जाता है कैपिटल थर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या है कैपिटल है इन इकनॉमिक्स बाई कैपिटल मीन्स द डैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज़ यूज टू प्रोड्यूस फर्दर कैपिटल सच एज बिल्डिंग रोड्स टूल्स मशीन्स ब्रिज एयरपोर्ट्स रेलवेज पावर हाउसेस सो डैट द पार्ट ऑफ वेल्थ विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वोट कॉल्ड कैपिटल वो चीज़ नहीं है जिसे हम अपने मतलब दौलत और बनाए बट दार्टिच इज यूज टू जनरेट फर्दर इनकम इज कार्ड कैपिटल जिसे हमारी मजीद इनकम इजाफा वो कैपिटल कहलाती है फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन बाई अ कार फ़ार पर्सनल यूज़ अगर कोई आदमी कारवाई करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए अपनी फैमिली के लिए देन इट इज़ अ कंज्यूमर गुड तो ये एक जो है कंज्यूमर गुड है जिसको वो अपने घर में इस्तेमाल कर रहा है सार्फ़ की चीज़ है से तो वो सर्व कर रहा है बट इफ़ ही यूज़ज़ यूज इज़ इट एज अ टैक्सी फॉर जनरेटिंग इनकम दैन इट बिकम्स कैपिटल गुड वो कैपिटल गुड कम बनती है जब वो जनरेट कर रही है मज़ीद इनकम एक टैक्सी की सूरत में अकॉर्डिंग टू मार्शल द होल एक्यूमुलेटेड वेल्थ विच इज़ यूज एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ कॉल्ड कैपिटल कि तमाम वो दौलत जो हमने जमा की हुई है वो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हैसीत से एक आमलिन पैदाइश की हैसीयत से इस्तेमाल होगी तो वो कैपिटल कहलाएगी यानी जिससे मजीद दौलत बनेगी तो वो कैपिटल कहलाएगी वरना नहीं कहलाएगी कैपिटल कंसिस्ट ऑफ ऑफ वेल्थ अदर देन फ्री गिफ्ट ऑफ़ नेचर विच यूल इनकम फर्दर उसकी क्या उसने डेफिनेशन की है कैपिटल उस उस किस्म की दौलत पर मुश्तम होती है जो कि फ्री गिफ्ट नहीं होते बल्कि उसके मज़ीद इनकम हासिल होती है कैपिटल आर अदर रिलेटेड कॉन्सैप्ट इसके कौन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसके साथ कैपिटल एंड मनी Money is used for exchange of goods and services only but capital is used for f generate further income कैपिटल एंड इनकम इनकम इज़ द पार्ट ऑफ वेल्थ वी रिसीव अगेंस्ट एनी इकनॉमिक एक्टिविटी किसी कोई भी काम करने के बदले में जो हमें मिलता है वो हमारी इनकम कहलाती है बट कैपिटल कैपिटल को हम यूज़ करते हैं कैपिटल हमारी दौलत का वो हिस्सा है जो मजीद हमारी दौलत या इनकम बनाने के काम आता है कैपिटल एंड वेल्थ वेल्थ कम्बाइन दिस कॉन्सैप्टूटलिटी स्कर्सिटी ट्रांसफरबिलिटी सो द कैपिटल इज़ द पार्ट ऑफ वेल्थ लैंड एंड कैपिटल बोथ आर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लैंड इज़ अ फ्री गिफ्ट ऑफ़ नेचर वेल कैपिटल इज़ नॉट लैंड इज़ फिक्स सप्लाई इसकी सप्लाई फिक्स है बट कैपिटल को हम चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से बढ़ा सकते हैं कम कर सकते हैं क्योंकि कैपिटल का काम क्या है मज़ीद इनकम जनरेट करना उससे कैप हमारे कैपिटल यानी सरमाए में मज़ीद इजाफा होता चला जाता है लैंड इज़ इमूवेबल बट कैपिटल को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं लैंड तो जहाँ है वहीं रहेगी लैंड इज़ अ डिस्ट्रिक्टेबल वेयर एज कैपिटल इज नॉट ये इसके फोर पॉइंट है इसके बाद हमारे पास लास्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन इंटरप्रिन्योर आजर इज एन एंटिटी हु कम्बाइंस इज एन एंटिटी एंटरटेमिंग पर्सन हु कंबाइंस अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन अ सर्टन प्रपोर्शन टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विस इंटरप्रेनियर का काम क्या है ये चिज़ देखना कि लैंड लेबर और कैपिटल को किस तरह से कम्बाइन करे कि उससे वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सके ही इज़ जस्ट लाइक अप्टन ऑफ अ शिप ये एक शिप के कैप्टन की तरह है वो स्टेयर इट फॉर्म थिंक एंड थिं एंड टेक इट सेफ्टी टू एट्स डेस्टिनेशन कि जो अपनी डेस्टिनेशन पर जाना चाहता है एक शिप की तरह हेन्स द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंटरप्रेन्योर इज टू ऑर्गेनाइज कंबाइन एंड क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स सो डैट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ अ गुड मे बी प्रोड्यूस्ड बाई ज्वाइनिंग दम इन अ सर्टन प्रपोशन असल में इंटरप्रेन्योर का काम क्या है सर्टन प्रमोशन में तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इकट्ठा करना और उनसे अशिया को यूज करना बस यहाँ पे हमारा लेक्चर आज का फिनिश होता है